हमारा मन होता है ना कुछ अलग सा खाने का और जो जल्दी भी बन जाए, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी, और वो भी एक नए ट्विस्ट के साथ और एक अपने सीक्रेट मसाले के साथ। तो उसके लिए मैंने लिया है ये 200 ग्राम पनीर, एक बड़े साइज की प्याज, ये इस तरह से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए, एक शिमला मिर्च, नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक टमाटर, अदरक लहसुन और मिर्ची का इस तरह से दरदरा पेस्ट, हरा धनिया, एक चम्मच जीरा पाउडर, कसूरी मेथी एक चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक फ्राई पैन ले लेते हैं, इसमें मैं डाल दूंगी एक चम्मच ऑयल, टीस्पून के हिसाब से देखेंगे तो दो स्पून है, और अगर एक बड़ी चम्मच है तो उसके हिसाब से एक चम्मच ऑयल लिया है मैंने। इसमें मैं डाल देती हूँ सबसे पहले जीरा, और जीरे को हम अच्छे से चटका लेते हैं, और इसी के साथ मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का ये दरदरा पेस्ट, और इसको भी हम अच्छे से पहले एक दो मिनट भून लेते हैं, जिससे कि जो लहसुन में थोड़ा सा वो भी रहता है कच्चा सा वो भी निकल जाए। अब ये देखिए हमारा लहसुन भी थोड़ा सा भुन गया है। अब मैं इस समय डाल देती हूँ इसमें ये प्याज। अब प्याज हमें ना गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, उससे थोड़ा सा जो पिंक जैसा कलर हो जाता है ना प्याज का, उतना ही हमें प्याज को भूनना है। और इसकी फ्लेम अभी मैंने हाई रखी है, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा वो नहीं है, हाई फ्लेम पे बनाते हैं। जैसे मेरी फ्लेम थोड़ी कम चलती है तो इसलिए हाई फ्लेम है, अगर आपका ज़्यादा तेज चूल्हा जलता है तो आप उसे मीडियम आँच पे भी पका सकते हैं। अब हम इसे बस हल्का सा प्याज को भून लेते हैं। अब ये देखिए हमारी प्याज किस तरह की हो गई है, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। इतनी हमें प्याज भूननी है सिर्फ, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च भी ना हम एक से दो मिनट इसी तरह से ना खुले में पका लेते हैं, जिससे कि हल्का सा जो इसमें कच्चापन है वो निकल जाए और इसका क्रंचीनेस ख़त्म ना हो। अब ये देखिए हमारी शिमला मिर्च भी अच्छे से थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर ना पहले नहीं डाले, नहीं तो क्या है उससे थोड़ा पानी छोड़ते हैं टमाटर तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो हमारी सब्ज़ी ना सोंधी सोंधी सी वैसी हो जाती है, थोड़ी चिपकी चिपकी सी, तो बाद में डालें टमाटर। अब टमाटर डालें तो हम इसके साथ डाल देंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इन सबको इसकी फ्लेम हम मतलब हाई रखेंगे, और जिससे कि हमारे जो टमाटर में थोड़ा भी पानी है वो भी जल जाए, और इसी तरह से ना खुले में इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। ज़्यादा मैश भी नहीं करना है हमें, थोड़ी सी हमारी सब्ज़ी जो है ना खिली खिली रहे तो अच्छा है। और आप लोगों का 1K कराने के लिए दिल से थैंक यू, आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ाएं। और इसी तरह से ये पका लेती हूँ मैं एक दो मिनट। अब मैंने आपसे बताया था ना कि मैं इसमें एक सीक्रेट मसाला डालूंगी, जिससे कि हमारी जो पनीर भुर्जी और भी टेस्टी बने, तो उसके लिए मैं डालूंगी इसमें एक चम्मच पाव भाजी मसाला। आप एक बार ये मसाला डाल के पाव भाजी बना मतलब वो पनीर भुर्जी बनाएंगे तो आपको पाव भाजी वाला टेस्ट उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमारा ये देखिए मसाला बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, अच्छे से भून भी गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये मैंने पनीर ना कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। अब ये हम इसमें पनीर डाल देते हैं, और पनीर के साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें ज़्यादा पनीर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ एक मिनट अच्छे से टॉस कर दें इस तरह से, जिससे कि सब मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। बस उतना ही हमें पनीर पकाना है, क्योंकि नहीं तो फिर हमें पनीर की भुर्जी जब बनाएंगे तो उसमें उसका जो भी एक रहता है पनीर का टेस्ट वो भी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वो अलग सी सब्जी लगती है, अच्छी नहीं आती इसकी। अब हमारी पनीर भुर्जी बन के तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।